नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आज हम कुछ आधुनिक भारत इतिहास के कुछ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने 20 क्वेश्चन डाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आधुनिक इतिहास के प्रश्न उत्तर, और इसमें मैंने 20 क्वेश्चंस को डाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वो किस स्थान पर लड़ा गया था? ध्यान रखिएगा, मैंने प्रथम कर्नाटक युद्ध पूछा है, तो यह लड़ा गया था सेंट टॉमे स्थान पर। किस स्थान पर लड़ा गया था? सेंट टॉमे। अगला अगर हम देखेंगे, यह युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच किस किस के बीच लड़ा गया था, यह भी पूछा जा सकता है कि ये किस किस के बीच लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, किस शताब्दी में? 18वीं शताब्दी के मध्य में। अगर बात करें तो ये 1746 से लेकर 1748 तक यह युद्ध चला था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नौसेना अधिकारी द्वारा फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ लिया गया था? तो ये पकड़ लिया गया था, कौन से द्वारा पकड़ लिया गया था? ये पकड़ लिया गया था बार्नेट के द्वारा। किसके द्वारा पकड़ा गया था? बार्नेट के द्वारा। अगला प्रश्न है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस किस उत्तराधिकारियों के बीच लड़ा गया था? यह लड़ा गया था कर्नाटक एंड हैदराबाद के उत्तराधिकारियों के बीच में। अगला प्रश्न है, अगर हम बात करें 1757 में फ्रांसीसी सरकार ने किसे भारत भेजा था? कौन सी सरकार ने? फ्रांसीसी सरकार ने किसे भारत भेजा था? तो वो आए थे काउंट लाली को। किसको भेजा था? काउंट लाली को। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के बाद समाप्त हो गया था? ये काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में अक्सर पर पूछा जाता है कि पेरिस की संधि का संबंध किससे है, या तो पूछ लिया जाएगा या फिर ये पूछ लिया जाता है कि कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के बाद समाप्त हुआ था। तो ये हुआ था पेरिस की संधि के बाद। अंग्रेजी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ये माना जाता है किसको? क्लाइव को, क्योंकि क्लाइव के द्वारा ही द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। और इसका जो शासन काल था, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, 1765 से लेकर 1772 तक इनका शासन काल था। अगर अगला बात करें, प्लासी का युद्ध जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मॉडर्न हिस्ट्री में, कई बार इससे क्वेश्चन हर तरीके से पूछे जा चुके हैं और अब हर बार पूछे जाते हैं। तो प्लासी का जो युद्ध था वो हुआ था, पहला युद्ध 23 जून 1757 को। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। जान लेते हैं थोड़ा प्लासी के युद्ध के बारे में। मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिला, कौन सा जिला? नदिया जिला। ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि ये प्लासी जो स्थान है वो कहाँ पर है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये हुगली नदी के तट पर एक स्थान है, वहां पर ये लड़ा गया था। और इसमें पहले गुट जो था उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और की सेनाएं थी, और दूसरी तरफ जो था वो बंगाल के नवाब की सेना थी। तो ये प्लासी के युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत हमने जाना। और बाकी जितने भी जो मैं डिस्कस कर रही हूँ उसके बारे में, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी सीरीज बना रखी है, वहां पर जाकर आप देखिए, आपको वहां पर मिल जाएंगे कि इन सारे युद्धों के बारे में मैंने पूरा डिटेल में वहां पर डिस्कस किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेदरा, जिसे हम बेदरा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, यह युद्ध 17 कब हुआ था? ये हुआ था नवंबर 1759 में। और यह जो युद्ध था वो किस किस के बीच हुआ था? डच कंपनी और इंग्लिश कंपनी के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। इस कंपनी में क्या था, ये जो कंपनी थी वो नवाब के पक्ष में लड़ी थी। इस युद्ध में डच क्या हो गए थे? हार गए थे, और वो हमेशा के लिए भारत से चले गए थे। इसके बाद क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर के युद्ध के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, यह हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाब की सीमाओं के बीच सेनाओं के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई थी, परिणाम स्वरूप
पश्चिमी बंगाल और पश्चिम बंगाल और बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार किसके हाथ में चला गया था? अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। मीर कासिम का शासनकाल 1760 से लेकर 1764 तक रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन उठता है और ये पूछा भी जाता है कि मीर कासिम का शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो ये 4 साल का शासनकाल था इनका, 1760 से लेकर 1764 तक। अंग्रेजों का गीदड़ भी, क्योंकि ये अंग्रेजों के पक्ष में बहुत ज्यादा था और इसने बंगाल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। सारा कुछ मैंने डिस्कस किया है, आप वहां पर जाके हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में देखेंगे, वहां आपको मिल जाएगा। इस युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो इलाहाबाद की 2 संधियों के साथ इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो जान लेते हैं वो संधियों के बारे में भी थोड़ा सा। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि थी वो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। इस संधि में क्या था, कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। किससे? कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम से ये सारी चीजें प्राप्त हो गई थी। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिए थे। कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देकर स्वीकार किया था। ये जो डिस्कस कर रहे हैं इस समय पे क्या है कि ऐसे अक्सर क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में मिल जाते हैं, तो स्टेटमेंट के तौर पर आपको इन क्वेश्चन को याद रखना जरूरी है कि पहली संधि में क्या हुआ था और दूसरी संधि में क्या हुआ था। अब देख लेते हैं इलाहाबाद की दूसरी संधि। यह संधि क्लाइव एवं सुजाउद दौला के मध्य में संपन्न हुई थी। इस संधि की शर्तें देख लेते हैं उसमें क्या क्या थी। इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नजमुद्दौला को वापस कर दिया गया था। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रख दी गई थी। देखिए खर्च कौन करेगा, नवाब करेगा, और सेना किसकी होगी, अंग्रेजों की होगी। और कह के ये रखा जाता था कि हम आपकी सुरक्षा के लिए रखा है, पर जबकि वो बिल्कुल ही व्यर्थ होता, उसका कोई मतलब नहीं होता था। वो सिर्फ अपने लिए ही वो सेना वहां पर रखते थे ताकि नवाब किसी से संधि ना कर सके और किसी से और कोई संबंध को ना बढ़ा सके। इसलिए वो पूरा उन पर निगरानी रखने के लिए ऐसी संधियां और ये इस तरीके के कार्य कर देते थे। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई थी। बिना टैक्स के कंपनी आराम से वहां पर व्यापार कर सकती थी। सुजाउद्दौला को बनारस के राजा बलवंत सिंह से पहले की ही तरह लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया था। और इन्होंने क्या किया था, जो राजा बलवंत सिंह थे इन्होंने युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी। तो ये कुछ संधियां थी जो मैंने एक बार में आपको बता दी हैं। आप इनको देखिएगा, कहीं पर लिख लीजिएगा या फिर इनको 2 से 4 बार पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रहेंगी और आपको याद रहेंगी। अगला देखेंगे कि बाड़ीवास का युद्ध कब हुआ था। तो बाड़ीवास का युद्ध जो हुआ था वो 1760 में हुआ था। ऐसे क्वेश्चन भर के पूछे जाते हैं, ये आपको 3-4 चीजें दे देगा और पूछेंगे कि ये युद्ध कब हुआ था और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, इन युद्ध में कौन कौन सा टाइम था। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है सारे और इनसे खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बाड़ीवास का युद्ध था जो अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में क्या हुआ था, फ्रांसीसियों की हार हो गई थी और ये इन्होंने क्या किया था, फिर पांडिचेरी अंग्रेजों को इन्हें सौंपना पड़ा था। और यह युद्ध जो था वो फ्रांसीसियों के लिए एक तरीके की निर्णायक लड़ाई हो गई थी। इसके बाद अंग्रेजों का ही भारत पर शासन सिद्ध हो गया था कि अंग्रेजी ही शासन कर पाएंगे और फ्रांसीसी यहां से राजनीतिक शक्ति को समाप्त कर चले गए थे। अगला अगर देखेंगे, ये भी क्वेश्चंस बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था। तो जैकोबिन क्लब का सदस्य था टीपू सुल्तान। रॉबर्ट क्लाइव के शासन काल को किसने डाकुओं का राज कहा, ये कहा है के एम पड़ेकर ने। बंगाल के नवाब का सही क्रम क्या है, कई बार यहां से क्वेश्चंस उठ जाते हैं, लेकिन जो ये लास्ट के 3 हैं, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और ये मीर कासिम, इनका कार्यकाल तो आपको याद रखना ही है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अली वर्दी खान का जो काल है 1740 से 1756 तक है, सिराजुद्दौला का कार्यकाल जो है 1756 से लेकर 1757 तक का है, मीर जाफर का कार्यकाल जो है वो 1757 से 1760 का है, मीर कासिम का 1760 से लेकर 1763 तक का है। तो ये कुछ इनके टाइम पीरियड जब तक इन्होंने बंगाल पर शासन किया और इन्होंने खूब मीर जाफर और मीर कासिम के समय पर बंगाल को भर के लूटा गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो अगला देखेंगे, हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी। हैदर अली की मृत्यु, ये डेट चाहे आपको याद ना भी रहे 1%, पर आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। तो हैदर अली की जो मृत्यु हुई थी वो आंग्ल मैसूर के द्वितीय युद्ध में हुई थी 1700
80 से लेकर 1784 तक का इनका काल था और ये जो युद्ध का काल था, और इसी युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। अगला देखेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1799 में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच लड़ा था और जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड बेलेजली, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, या तो इन्हें कहीं लिख लीजिए या फिर इन्हें अच्छे से पढ़िए और अच्छे से इन्हें याद रखिए। लॉर्ड बेलेजली, हैरिस और स्टुअर्ट कर रहे थे। है क्या, जब भी आपके साथ कोई वीडियो डिस्कस करता है यूट्यूब में, बहुत सारे टीचर्स होंगे, वो आपको सब यही बताएंगे कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। आप सारी चीजें याद नहीं रख सकते हैं। एक आप खुद अपने आप अपने नोट्स बनाइए और जो आपको खुद को लगता है इम्पॉर्टेंट है, और आप पुराने पेपर्स उठा के देखिए, उससे भी आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगा। तो पुराने पेपर्स को, घटना चक्र को आप सॉल्व करिए, हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की जितनी घटना चक्र है आप उसको देखिए, आपको खुद ही पता चलेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अपने आप को थोड़ा सा और एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, बजाय ये कि आप दूसरे आपको कितना भी बोलते रहेंगे क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, आपको शायद उतना समझ में नहीं आएगा। जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक आपको नहीं समझ आएगा। आप खूब क्वेश्चन लगाइए, जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा और टॉपिक को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा पाएंगे। इसमें लॉर्ड बेलेजली, हेस्टिंग और स्टुअर्ट कर रहे थे इसका नेतृत्व। 4 मई 1799 को टीपू ने संयुक्त अंग्रेजी सेना से बहादुरी के साथ लड़ता हुआ वो मारा गया था। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु भी काफी इम्पोर्टेंट है और कई बार ये पूछा जाता है। जो टीपू सुल्तान के पिता थे हैदर अली, वो मारे गए थे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में और टीपू सुल्तान चतुर्थ मैसूर युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। तो ये 4 मई 1799 को इसकी मृत्यु हो गई थी। चतुर्थ युद्ध के समय अंग्रेजों ने निजाम और मराठाओं से युद्ध में प्राप्त लाभ को 3 बराबर भागों में बांटने की शर्तों पर समझौता किया था, लेकिन मराठाओं को राज्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं मिला था। जैसा अंग्रेजों की हमेशा की नीतियां होती थी कि जो वादा करते थे वो कभी उसको पूरा नहीं करते थे, शायद उन्होंने इस बार भी इन्हों के साथ ऐसा ही किया था। अगला है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई थी। तो यह हुई थी सालवाई की संधि के साथ 1782 में। सालवाई की संधि के बारे में खूब पूछा जाता है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। 1775 से लेकर 1782 तक ये चला था और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच ये लड़े गए जो 3 आंग्ल मराठा युद्धों में ये पहला युद्ध था, और यह युद्ध सूरत की संधि के साथ शुरू हुआ था और ये सालवाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। मतलब ये शुरू तो हो गया था सूरत की संधि के साथ और समाप्त किसके साथ हुआ था, सालवाई की संधि के साथ समाप्त हो गया था। अगला अगर देखें, ब्लैक होल घटना कब हुई थी। तो ब्लैक होल घटना के बारे में भी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, तो ब्लैक होल घटना को भी देख लेते हैं। ये 20 जून 1757 को, इसमें क्या, बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला ने पोर्ट विलियम और कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति निहित थी। किले के पतन के बाद पोर्ट के विलियम और एंग्लो इंडियन कैदी को एक कैदखाने में कैद कर लिया गया था, जिसे ही हम क्या कहते हैं, कलकत्ता का ब्लैक होल कहा जाता है। कहा जाता है कि इसी घटना में 146 लोग कैद हो गए थे, जिसमें से केवल कितने लोग बचे थे, केवल और केवल बचे थे 23 लोग इसमें जीवित बचे थे। अगला देखेंगे क्वेश्चन 17, किस गवर्नर के शासनकाल में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था और लगभग एक तिहाई जनता काल के मुंह में समा गई थी। तो ऐसा हुआ था कार्टियर के टाइम पर। अकाल की घटनाएं जब आप पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको लगेगा कितने भयंकर अकाल पड़े थे आधुनिक भारत के समय पर और कितने लोग उसमें काल के मुंह में समा गए थे और कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी। 1761 में इंग्लैंड में किस सम्राट को पुर्तगाली की राजकुमारी, जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी, कैथरीन से विवाह होने पर मुंबई दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। ये हो गया था चार्ल्स द्वितीय को। ये क्वेश्चन SSC तो क्या हर एग्जाम में, यानी कितनी बार पूछा गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब अगर हम बात करें कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थापित किया गया था, मतलब जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत कहां पर सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, तो वो किया गया था कलकत्ता में, ठीक है। अगला है, यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से बंगाल के किस नवाब ने की थी, ये की थी अली वर्दी खान ने।
ये था पूरा वीडियो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी मैंने और भी टेस्ट सीरीज डाली हुई हैं, आप उनको सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। अगले टेस्ट सीरीज में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।